जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीशी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृत राज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नीलम अग्रवाल, जो कि आरोग्य धाम पत्रिका की संपादक भी हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान होने वाले परेशानियों के बारे में। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक स्त्री को कैसे पता चलता है कि उन्हें गर्भ धारण हुआ है। जिन लेडीज को मेंसेज रेगुलर और निश्चित समय पर आता है, उनको मेंसेज अगर बंद हो जाए तो ये खास लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। जल्दी जल्दी यूरिन आना, वाइट डिस्चार्ज का होना और जी मिचलाना, किसी किसी को उल्टियां ज़्यादा आती हैं। और कुछ इसमें साइंस भी होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में काफ़ी चेंज आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट हैवी होने लगती है और एरियोला में डार्कनेस हो जाती है और निपल को दबाने पर कुछ डिस्चार्ज होता है, ये एक खास चिन्ह है। और पेट के नीचे रेखाएं हो जाती हैं, जिसे कि लाइने एब्लिकेंस कहते हैं। और इंटरनल चेकअप करने पर यूट्रस सॉफ्ट लगता है। और वैसे तो आजकल यूरिन टेस्ट होता है जिसका नाम कार्ड्स टेस्ट है, उसमें अगर दो दिन भी मेंसेस से ऊपर हो जाते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी आ जाती है। डॉक्टर साहिबा, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? गर्भावस्था के दौरान कई तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का होना, ज़्यादा उल्टियां आना, जी मिचलाना, खाना खाने को बिल्कुल मन ना करना और ब्लड प्रेशर का लो होना या हाई होना, वेजाइनल इन्फेक्शन का होना, वाइट डिस्चार्ज का ज़्यादा होना, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का होना, कुछ लोगों को होता है कि मिट्टी खाने को मन करता है, और मूत्र में एल्ब्यूमिन की कमी का होना, इस तरह की कई सारी परेशानियां प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं। डॉक्टर साहिब, कई सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस या बहुत ज़्यादा उल्टियां होती हैं, तो इसका क्या उपचार है? मॉर्निंग सिकनेस में सुबह सुबह जी मिचलाना, ज़्यादा उल्टियां होना, इसमें सिर दर्द भी हो सकता है, खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं करता, उल्टियाँ आती हैं और चक्कर महसूस होते हैं, बहुत वीकनेस महसूस होती है, इस तरह की परेशानी को मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। इसके लिए हम आपको साधारण उपचार बता रहे हैं। जायफल को चावल के पानी में, चावल बना करके जो मांड निकालते हैं वो थोड़ा सा लेकर के उसमें जायफल को घिस लें और एक नींबू का रस उसमें डाल लें और मिश्री डाल करके उसको सुबह ही उठ करके पी सकते हैं और एक बार दोपहर को खाने के बाद पी लें। तो इस तरह की जो परेशानी है, ज़्यादा उल्टियाँ आने की या खाना ना खा पाने की, तो इस तरह की परेशानी में ये चीज़ बहुत काम करती है और प्रेग्नेंट लेडीज को किसी भी तरह से ये नुकसानदायक नहीं है। और इसमें जैसे खाने के साथ पुदीने की चटनी, पुदीना और प्याज दोनों ही चीज़ उल्टी जी मिचलाने में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो दोनों चीज़ें, ये पुदीना है और प्याज है, दोनों चीज़ें पीस लीजिए और इसमें मसाला वगैरह डाल करके ये चटनी खाने के साथ ले सकते हैं, इससे जायका भी सही रहेगा। और नींबू की शिकंजी वो दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। और मट्ठा है जैसे दही का, ये पतला करके जीरे का छोंक लगा करके ये खाना खाने के साथ ही मट्ठा ले सकते हैं। हरी सब्जियों का सूप है वो आप ले सकते हैं, और टोमाटो सूप है और जूस है जैसे संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस, मौसमी का जूस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और अगर इससे कोई राहत नहीं मिलती है, परेशानी को कम नहीं होती है, तो फौरन लेडी डॉक्टर को दिखा लें, कहीं से पढ़ करके या कहीं से भी देख करके इस तरह की कोई भी दवाई ना लें,
वैसे आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे गर्भपाल रस है, गर्भ चिंतामणि रस है, गर्भ विनोद रस है, कई तरह की इस दवाइयां हैं जो कि इसमें ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए एक भी दवाई ना लें, क्योंकि माँ को और गर्भस्थ शिशु को दोनों को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हिंगवास्टक चूर्ण खाना खाने से पहले थोड़ा सा ले सकते हैं, या कोई भी स्वादिष्ट चूर्ण कई तरह के आजकल आ रहे हैं, जैसे हाजमोला की गोली है, या कोई भी इस तरह की कोई भी हाजमे की गोली जो स्वादिष्ट होती है, या जलजीरा वगैरह, ये चीजें कोई भी ले सकते हैं खाना खाने से पहले, और इससे स्वाद अच्छा हो जाता है, जिससे कि खाना खाने को भी मन करता है। डॉक्टर साहिबा, आज आपने हमें गर्भावस्था के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, समय अभाव के कारण आज अपनी ये चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। कल के एपिसोड में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। यदि आपको भी कोई स्वास्थ्य संबंधित जिज्ञासा या सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हमारा पता है, क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है, योगाचार्य डॉक्टर अमृत राज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 01312622326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369, वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@readymail.com। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।